देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जय जवान जय किसान। सागर जिले के खुरई में खाद की मारामारी देखने को मिल रही है, जिससे नाराज किसानों ने सागर बीना नेशनल हाईवे 26A पर तहसीली के सामने जाम लगा दिया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान वाहनों की कतारें लग गईं। दरअसल किसानों को खाद आने की सूचना अधिकारियों ने दी थी। बताया गया कि सोमवार से खाद मिलने लगेगा। व्यवस्था के तौर पर SDM कार्यालय से टोकन व्यवस्था भी की गई। टोकन लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए, लेकिन दिन भर में लगभग 150 किसानों को ही टोकन मिले। इनमें से केवल 70 किसानों को सोमवार को खाद मिलना था, बाकी को अगले दिन। हर दिन 70 किसानों को ही खाद दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन टोकन के लिए बाकी रह गए गुस्साए किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि जब एक दिन में केवल 70 किसानों को खाद देंगे तो हजारों किसानों का नंबर कब आएगा? वहीं रविवार को खाद क्यों नहीं बांटा जा रहा? अधिकारियों ने किसी तरह किसानों को शांत कराया। गाड़ी आई, 20 गाड़ी आई, उसके बाद अब देखो कितनी उतरी, बड़े बड़े आदमियों सब गाड़ी बाहर के बाहर चली गई। 30 पर्ची अगर दिन की दे हो तो कितने किसान ने पटे नहीं पट रहे हमारा गाड़ी तो मर गया। कौन के ब्याह कौन की जान के नहीं क्या बात है, क्या समस्या? आज सुबह से किसान भाई लाइन में लगे थे, तो आज खाद वितरण हुआ नहीं। आज इन लोगों को पर्ची में उलझा के रखा, दिन भर किसानों को लिए पर्ची बनेगी, पर्ची सिस्टम कुछ कर दिया और सिर्फ 200 किसानों के लिए पर्ची बांट दी गई। वो 200 किसानों को जो खाद वितरण होगा मंडे से होगा, संडे को नहीं होगा। संडे को उनकी छुट्टी है प्रशासन की, तो हम लोगों ने बोला कि सर यदि किसान को अति आवश्यकता है तो संडे को भी आप खाद वितरण कर सकते हैं, ज़रूरत पर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत पर सुप्रीम कोर्ट भी रात में खुल सकता है, तो किसानों के लिए खाद वितरण भी संडे को हो सकता है, ऐसा कोई इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। तो उन्होंने बोला नहीं, संडे को वितरित नहीं होगा। फिर हमने बोला भाई आप कौन, आप कुछ, आप किस उससे बोल रहे हैं, आप अपने बड़े अधिकारी से बात कराएं। तो उन्होंने जिससे बात कराई वो हमसे बोलते हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, आपको उपलब्ध करा देंगे। और 70 एक दिन में ये लोग 70 किसानों को खाद वितरित करेंगे, मतलब एक केंद्र से 35 किसान। इस हिसाब से आप लगाएं कि क्षेत्र में जितने किसान हैं आखिरी किसान तक खाद पहुंचने में तो महीनों लग जाएंगे, तब तक तो लोगों की फसल कटने लगेगी। किस तरीके की प्रशासन व्यवस्थाएं बना रहा है बिल्कुल समझ से परे है, और समय रहते प्रशासन को चेतना चाहिए, अन्यथा किसान बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि पुरानी फसल तो प्रकृति की मार से नष्ट हो चुकी है, ये फसल खाद की अनुपलब्धता से नष्ट होने वाली है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। इनको समय रहते किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराना चाहिए। निवेदन है आप सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों से, समय पर खाद उपलब्ध कराएं, किसान बहुत परेशान है। आज क्यों नहीं बटा, आज हर दिन उसके खेत में नमी सूख रही है, नमी चली जाएगी तो खेत खराब हो जाएंगे। जय हिंद। खोरई से मनोज बादवानी, सागर टीवी न्यूज। देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर पावर ट्रैक, भारत के किसानों का भरोसेमंद ट्रैक्टर पावर ट्रैक। एस्कॉर्ट लिमिटेड लाए हैं पावर ट्रैक नेक्स्ट सीरीज। 52 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के उच्च तकनीकी विशेषताओं वाले ट्रैक्टर, जिनमें है ज्यादा भार उठाने वाली हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ज्यादा PTO पावर, स्वतंत्र क्लच के साथ, साइड शिफ्ट गियर, मल्टी स्पीड रिवर्स PTO, 24x7 गियर बटन के साथ। जब बदल रहा है जमाना, फिर आपका ट्रैक्टर नए जमाने का क्यों नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
अधिकृत डीलर ओम साईराम ट्रैक्टर खुरई रोड सहानी होटल के सामने बीना। हमारे नंबर है 9926184111 9926184101 सागर ब्रांच 280 भगवानगंज सागर। हमारा नंबर है 9407184111 7610135101।